अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 10th केमिस्ट्री का जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है चैप्टर नंबर 10 का प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स आज हमने पढ़ना है। एसिड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। एसिड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। जब भी हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम एक बात याद रखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ हमेशा दो तरह की होती हैं। कितनी तरह की होती हैं प्रॉपर्टीज़? फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमेशा फिज़िकल स्टेट से रिलेटेड होती हैं कि कोई भी सब्सटेंस है उसकी फ़िज़िकल स्टेट क्या है, उसका कलर क्या है, उसका टेस्ट क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में है कि नहीं है, या वो कंडक्टेंस अगर शो कर रहा है तो कितनी कंडक्टेंस शो कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो डेंसिटी, ये जो चीज़ें आ जाती हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन्हें हम फिज़िकल स्टेट में या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में स्टडी करते हैं। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि अगर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उनके दरमियान में जो रिएक्शन है वो कैसा है, ठीक है। तो पहले फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इसकी। अच्छा, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम पहले भी इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज गेन कर चुके हैं कि एसिड जो होते हैं ये सॉर होते हैं, ठीक है, सॉर एंड टेस्ट। यानी ये खट्टे होते हैं, तुर्श होते हैं, जैसे लेमन है, ठीक है। लेमन खट्टा होता है, उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, इस वजह से। दूसरी इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या है कि ये ब्लू लिटमस को टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये ब्लू लिटमस को इनटू रेड, कि ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड कर देता है। तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है फिजिकल, वो क्या है कि ये क्रोजिव होते हैं। ये क्या होते हैं? क्रोजिव, यानी जंग लगने में ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं, क्रोजिव हैं, ठीक है। अगला जो है इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। क्या करता है एक्वस सॉल्यूशन इसका, क्या करता है? कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, कंडक्ट करता है। ये इसकी कुछ एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, ये हम पहले भी पढ़ चुके थे। अब हमने पढ़नी है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम इसके रिएक्शन देखेंगे कि ये दूसरे सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले एसिड का रिएक्शन देख लेते हैं विद मेटल्स। अच्छा, मेटल्स बहुत तरह की होती हैं, ठीक है। मेटल्स के बारे में अगर हम बात करें, अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, तो ये तमाम मेटल्स हैं हमारे पास। अच्छा, जब हम एसिड का रिएक्शन देखते हैं अल्कली मेटल्स के साथ तो ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं, एक्सप्लोजिवली रिएक्ट। ठीक है, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ ये ज़रा एक्सप्लोजिव रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स के साथ ये ज़रा मॉडरेट रिएक्शन शो करते हैं, जैसे कि जिंक के साथ आप देख रहे हैं, एल्यूमिनियम है, इसके अलावा मैग्नीशियम।
ठीक है, इनके साथ ये मॉडरेट रिएक्शन शो करते हैं, कौन एसिड, क्योंकि हम किसके रिएक्शंस पढ़े हैं, एसिड्स के, ठीक है। तो इनको ज़रा रिएक्शन केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में देख लेते हैं हम। तो अगर हमारे पास जिंक मेटल है, ठीक है, क्या है जिंक मेटल, इसका रिएक्शन हम HCl के साथ करवाते हैं, ठीक है, किसके साथ करवाते हैं रिएक्शन, HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो केमिकल को बैलेंस, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 आएगा, और आप यहाँ क्या केमिकल क्या बनेगा, ZnCl2, ठीक है, और यहाँ क्या बचा आपके पास, H2। अच्छा एक बात याद रखिएगा बेटा, कि जब भी मेटल्स के साथ एसिड का रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन रिलीज होगी और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी। इस एरो का मतलब ये है कि जैसे ही ये हाइड्रोजन बनी ये सिस्टम को लीव कर गई, ठीक है। इसके बाद हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवा लेते हैं इसका, ठीक है। तो एक एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोरीन आएंगी, तो इसलिए यहाँ 6HCl लिया हमने, ठीक है। तो ठीक है 2AlCl3+3H2, ठीक है। तो देखें हाइड्रोजन रिलीज हुई है। इसके बाद हमने जो आगे इसके केमिकल रिएक्शन देखने हैं वो हमने देखने हैं, दूसरा हमारा रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, रिएक्शन से पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्बोनेट्स क्या हैं और बाइकार्बोनेट्स क्या हैं। कार्बोनेट के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो CO3-2- होता है, ठीक है, ये कार्बोनेट की पहचान है। और अगर बाइकार्बोनेट करना है तो सिर्फ इससे पहले हाइड्रोजन लग जाएगी, ठीक है। तो केमिस्ट्री में जब भी किसी भी केमिकल से पहले बाई का वर्ड आता है दैट मीन्स के उसके साथ क्या लग गई है, हाइड्रोजन। कार्बोनेट है CO3, बाइकार्बोनेट है तो यानी कार्बोनेट से पहले हाइड्रोजन लग जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, बाइकार्बोनेट बन जाएगा आपके पास। तो रिएक्शन देख लें इसका, किसके साथ करवाना है, एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है। तो सबसे पहले देख लें जी, H2SO4 Na2CO3, ये मैंने सोडियम कार्बोनेट आपके सामने लिखा है, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। जब ये रिएक्शन होगा तो बनेगा आपके पास क्या है, क्या बनेगा आपके पास, आपके पास बनेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4, साथ में बनेगा वाटर और बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक बात याद रखिएगा, ज़्यादातर जो गैस रिलीज होती है कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन में वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। तो अब इसका रिएक्शन हम देख लेते हैं बाइकार्बोनेट के साथ, ये लें जी सोडियम बाइकार्बोनेट लिख दिया, देखें सिर्फ कार्बोनेट से पहले हाइड्रोजन लगी हुई है फॉर्मूले में, तो ये आपके पास क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब इसका जब रिएक्शन होगा तो ये आपके पास बनेगा NaCl, ठीक है, और क्या बनेगा आपके पास, वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से रिलीज होगी और ये फिर से सिस्टम लीव कर जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इसका रिएक्शन है वो किसके साथ है, वो है रिएक्शन विद बेसिस, अच्छा बच्चों जब भी एसिड का रिएक्शन बेस के साथ हो तो ऐसे रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है तो उस दौरान में सॉल्ट और वाटर बनता है प्रोडक्ट और वो दोनों न्यूट्रल होते हैं, इस वजह से इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो एग्जांपल देख लें, पहले देख लें इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन,
ठीक है। तो HCl है, इसका रिएक्शन हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये बेस है, ठीक है। ये हमारे पास एसिड है और ये हमारे पास क्या है, बेस। तो जब ये रिएक्ट करेंगे NaCl के साथ जाएगा और HOH के साथ, तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। ये सॉल्ट है और ये वाटर, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट आपके पास क्या बने हैं, न्यूट्रल बने हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है एसिड का, वो है विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स, सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स, ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट था, सेम सल्फाइड और बाइसल्फाइड के साथ होगा। सल्फाइड जो है वो हमारे पास होता है SO3, ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास SO3, जबकि बाइसल्फाइड हमारे पास क्या होगा, HSO3, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि हमारे पास सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स क्या हैं, ठीक है। तो देखें ज़रा, सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवा लेते हैं, HCl का रिएक्शन करते हैं सल्फाइड्स के साथ, तो आप कर लें Na2SO3, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगा, ये NaCl के साथ जाएगा तो कितने NaCl बनेंगे, दो NaCl बनेंगे, साथ में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन क्या मिलकर बनाएंगी, वाटर बनाएंगी, और साथ में यहाँ क्या बच जाएगा, SO2। तो जब भी सल्फाइड और बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन होगा, उस दौरान में जो गैस रिलीज होगी वो क्या होगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगी, और जैसे ही गैस बनेगी ये सिस्टम लीव करेगी। इसी तरीके से आप एसिड का रिएक्शन बाइसल्फाइड के साथ भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो देखें ज़रा, ये NaCl के साथ जाएगा, क्या बनेगा, NaCl, ठीक है, साथ में H, एक H ये है, एक ये है, और एक ऑक्सीजन आएगी, वाटर बनेगा, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट रिएक्शन है इसका, वो क्या है, विद सल्फाइड अच्छा, अब आप लोगों ने ये चीज़ गौर करनी है कि ऊपर सल्फाइड और बाइसल्फाइड था, ये सल्फाइड है डी से, ठीक है, यहाँ पर सल्फर प्रेजेंट होगी जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा। तो इसके साथ हम ज़रा रिएक्शन एसिड का करके देख लेते हैं। तो लेड सल्फाइड देख लें, ठीक है, और साथ में हमारा कोई आ जाए, HCl लिख लें, ये लीजिए, ठीक है। इसके साथ कोई भी एसिड आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सल्फ्यूरिक एसिड लें या नाइट्रिक एसिड लें, अगर आपको HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आसानी है तो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं। तो होगा क्या, ये लेड इस क्लोराइड के साथ जाएगा तो क्या बनेगा, PbCl2, ठीक है, ये लेड क्लोराइड है, ये एक साल्ट है, और पीछे आपके पास क्या रिलीज होगी, गैस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज होगी, और ये पॉइजनस गैस है, ठीक है। अब हमने जो है इसमें पढ़ना है वो क्या है, वो हमने यूजेस पढ़ने हैं, यूजेज में हम देखेंगे कि एसिड्स जो हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं, इनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं। तो देख लेते हैं, सबसे पहले यूजेज ऑफ एसिड्स, सबसे पहला जो यूज एसिड है हमारे पास वो है सल्फ्यूरिक एसिड,
ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। तो ये कहाँ यूज़ होता है? सबसे पहले ये फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ होता है, ठीक है, पेंट्स में यूज़ होता है और डाइज एंड ड्रग्स में, यानी दवाइयाँ बनाने के लिए और रंग वगैरह बनाने के लिए आप इसे यूज़ करते हैं। तो फर्टिलाइज़र जो अमूमन हम देखते हैं वो है अमोनियम सल्फेट, जो है वो इससे बनता है, ठीक है, और कैल्शियम सल्फेट इस तरह के आपके पास बन जाते हैं इससे। अगला हमारे पास है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो है HNO3, ठीक है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HNO3। और ये भी यूज होता है फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, पेंट्स, डाइज एंड ड्रग्स, ठीक है। बल्कि डाइज एंड ड्रग्स के अलावा ये एक और जगह पे भी इस्तेमाल होता है, एचिंग डिज़ाइन। एचिंग डिज़ाइन का मतलब है जैसे वो घड़ों पर डिज़ाइन बनाए जाते हैं, ठीक है, मिट्टी के घड़ों पर, तो वो नाइट्रिक एसिड की मदद से बनाए जाते हैं। इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HCl। ये हम पूरे केमिकल रिएक्शंस के दौरान में पढ़ते आ रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये वॉशिंग ऑफ मेटल्स में यूज़ होती है, जहाँ पे भी मेटल्स को वॉश करना है वहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा कहाँ यूज़ करते हैं हम इसे? टैनिंग के लिए, ठीक है, खालों को लेदर में जब कन्वर्ट किया जाता है, जितनी भी हाइड्स होती हैं उनको लेदर में जब कन्वर्ट किया जाता है तो टैनिंग प्रोसेस से गुजारते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे क्या कहते हैं जगहों पर इसका इस्तेमाल है। अगला जो हमारे पास एसिड है वो है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H5COOH, ठीक है। ये फूड की प्रिजर्वेशन के लिए, खुराक को महफूज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद लास्ट हमारे पास जो है एसिड वो कौन सा है? वो है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। ये एसिटिक एसिड कहाँ यूज़ होता है? खुराक को कुछ जायका बनाने के लिए, फ्लेवर देने के लिए, फ्लेवरिंग के लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है, प्रिजर्वेशन के लिए करते हैं, खुराक को महफूज करने के लिए। ठीक है, और अगर कोई कीड़ा जैसे चींटी वगैरह है या बी वगैरह है, अगर ये वैस ये डंग मारते हैं यानी बाइट करते हैं आपको, तो उसके स्टिंग से भी बचाने के लिए हम एसिटिक एसिड इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, ये आज जो हमारा लेक्चर था वो था प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेज ऑफ एसिड्स। अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।